और अब बात करते हैं रतलाम की, जहां के सैलाना जनपद के गड़ावदिया पंचायत में सरपंच पद प्रत्याशी धूल सिंह गरवाल बीती रात से लापता है। प्रत्याशी के लापता होने की सूचना पर प्रत्याशी के समर्थकों ने प्रशासन से वोटिंग रुकवाने की भी मांग की है। गांव में सरपंच पद के लिए कुल 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सरपंच प्रत्याशी के लापता होने की सूचना पर SDM और एडिशनल SP भी गाँव पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी। वही प्रत्याशी के परिजनों ने गांव के ही अन्य प्रत्याशियों के ऊपर अपहरण के आरोप लगाए हैं। मामले में SDOP के निर्देशन में टीम गठित कर सरपंच प्रत्याशी की खोजबीन शुरू कर दी गई है। गायब हुए सरपंच पद के प्रत्याशी धूल सिंह के परिजनों का कहना है कि वो रात में खेत पर सोने के लिए गया था, जिसके बाद वो वापस ही नहीं लौटा। परिजनों ने चुनावी रंजिश में अन्य प्रत्याशियों के द्वारा उसका अपहरण कर लेने की आशंका जताई है। वहीं सरपंच प्रत्याशी के गायब होने की जानकारी लगने पर उनके समर्थकों ने मतदान रुकवाने की मांग प्रशासन से की थी, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव पहुंचकर धूल सिंह के परिजनों और समर्थकों को समझाइश दी और मतदान शुरू करवाया। मामले में एडिशनल SP सुनील पाटीदार ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर लापता हुए सरपंच प्रत्याशी की खोजबीन की जा रही है। वहीं मामले में संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। SDOP सैलाना के नेतृत्व में पुलिस की 5 टीमों का गठन किया गया है, जिसके बाद लापता प्रत्याशी की खोजबीन की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।